अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून 2021 है और आप लोग देख रहे हो सऊदी अरब की डेली कोरोना रिपोर्ट। अब से कुछ वक्त पहले सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान ने कोरोना वायरस के मुताबिक नया अदादोशुमार जारी किया, जिसमें सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1312 नए कोरोना मरीज रिकॉर्ड हुए हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले मरीजों की टोटल तादाद 4,80,702 हो गया, जिसमें 11,331 एक्टिव मरीज है जो कि सऊदी अरब की मुख्तलिफ मनातक अस्पतालों में जेर इलाज है, जिससे 1,466 मरीजों को इंतहाई निगहदाश में रखा गया है। इसके साथ साथ वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 अफराद वफात हुए हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से वफात होने वाले मरीजों की टोटल तादाद 7,743 हो गया। इसके साथ साथ वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,290 नए कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिसके साथ अब तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की टोटल तादाद 4,61,628 हो गया। जबकि सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड होने वाले कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा मुंतका मक्का मुकर्रमा 373, मुंतका रियाद 233, मुंतका शर्किया 214, मुंतका सीर 155, मुंतका जीजान 104, मुंतका मदीना मनवर 71, मुंतका कसीम 49, मुंतका नजरान 33, मुंतका तबूक 26, मुंतका बाहा 24, मुंतका हाइल 15, मुंतका हुदूद शुमालिया 12 और मुंतका जूब 3।